नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी हिंदुस्तान मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बात बात पे रोने वाली औरतें कैसी होती हैं या लड़कियां कैसी होती हैं, उनका चरित्र कैसा होता है। ऐसे ही हम आपको आज पांच बातें बताएंगे जिनको जान के आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां हर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हैं, लेकिन आप इन लड़कियों को कम समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इन लड़कियों में ऐसे काफी गुण होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अधिकतर लोग ऐसी लड़कियों को काफी कमजोर समझते हैं, लेकिन ये कई गुणों से संपन्न होती है। आपको बता दें कि स्वभाव से इमोशनल लड़कियों में बहुत ही खास गुण होते हैं। आइए जानते हैं ज्यादा रोने वाली लड़कियों में आखिर कौन से अच्छे या खराब गुण होते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात है स्ट्रांग, जो अक्सर बात बात पर रोने वाली लड़कियों को काफी कमजोर समझते हैं, लेकिन उनके रोने को लेकर कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करती, जिसके कारण वो ज्यादा स्ट्रांग बनती हैं। ऐसी इमोशनल लड़कियां इस कारण ही मजबूत बनती हैं। दोस्तों दूसरी बात है बीमारियों से रहती हैं दूर। आपको बता दें कि जिन लड़कियों की बात बात पर रोने की आदत होती है वे ही लड़कियां बीमारियों से दूर रहती हैं, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है और दिमाग की सारी टेंशन और तनाव बाहर निकल जाता है। इसीलिए अगर आप भी तनाव में हैं तो यह उपाय अपना सकते हैं, क्योंकि तनाव से बचने के लिए रो लेना ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों तीसरी बात है प्यार करने वाली। जिन लड़कियों की हर बात बात पर रोने की आदत होती है वे ही लड़कियां अपने पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स से बहुत प्यार करती हैं। यही नहीं, उनसे दूर जाने से भी डर लगता है, इसीलिए वे अपने पार्टनर का लाइफ टाइम साथ निभाती हैं। दोस्तों चौथी बात है अच्छी दोस्त। जो लड़कियां अधिक इमोशनल होती हैं वे एक अच्छी इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। ये लड़कियां जिनसे दोस्ती करती हैं उनके साथ दोस्ती को पूरी तरह से निभाती भी हैं, और वह अपने दोस्त के लिए हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहती हैं। इन लड़कियों में यही खास बात होती है। दोस्तों पांचवी बात है दूसरों की भावना आसानी से समझना। जो लड़कियां बात बात पर रो देती हैं, हमेशा ध्यान रखिए ऐसी ही लड़कियां दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझती हैं। इसके अलावा इन लड़कियों की यह भी खास बात होती है कि वो दूसरों की भावनाओं पर हंसने की बजाय उनकी कदर करती हैं और उनकी हमेशा मदद करती हैं। दोस्तों बात बात पर रो देने वाली लड़कियां किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ये कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं सोचती। ऐसी लड़कियां किसी से मदद भी नहीं मांगती, जिस कारण से उन्हें अकेलापन महसूस होता है और दुख में आंखों से आंसू आ जाते हैं। इनके मन में किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं होते और ना ही ये किसी से दुश्मनी करना चाहती हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई है तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आपकी लाइफ पार्टनर भी ऐसी है जो आपकी बातों से इमोशनल हो जाती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। ऐसी लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, ऐसे में वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों ऐसा होता है बात बात पे रोने वाली औरतों का चरित्र स्वभाव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के और चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक